दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा मंडी परिषद एग्ज़ाम का फाइनल रिवीजन चल रहा है और इसी के क्रम में मैं आप सभी छात्रों के लिए देखिए आज विज्ञान का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से आपकी भी रिवीजन और आपका अपना खुद का मूल्यांकन करिए कि कितने आपके सही होते हैं। और देखिए कंपटीशन तो है ही है, तो आपको दिन रात अवेक करना है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी के, कितने इंपॉर्टेंट आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं इसमें से। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, ऐसा कौन सा है जिसके लिए आपका कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होगा। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोडियोल के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। ठीक है, देखिए दोस्तों मोनोसेकेराइड का पहले तो मतलब आप लोग जान लीजिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें मोनोसेकेराइड कहा जाता है। और इनमें से जो है दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज क्या है, आपके मोनोसेकेराइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, आपका जो मिल्क प्रोटीन है दूध में, ऐसा कौन सा है जो दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है, मिल्क में पाया जाता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका कैसीन। ठीक है, कैसीन क्या है, मिल्क प्रोटीन है। चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ, जनन क्षमता में कमी होती है, मनुष्य में अगर बात करें अगर जनन क्षमता में किस विटामिन के कारण कमी होती है, तो दोस्तों वो है आपका विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता प्रभावित होती है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, जो दांतों में जो होते हैं इनेमल होते हैं उनको कठोर बनाता है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका फ्लोरीन। ठीक है, दांतों में जो आपका इनेमल कठोर बनाने का कार्य वो फ्लोरीन के कारण ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है। अब इनमें से देखिए जुकाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो हार्मोनल है। ठीक है, तो दोस्तों ये घेंघा है। ठीक है, घेंघा क्या है, एक हार्मोनल बीमारी है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में देखिए यहाँ पर धातु दिया हुआ है, तो इसमें से जो धातु होती है दोस्तों वो होती है फेरियम। ठीक है, लौह तत्व जो हीमोग्लोबिन में होते हैं वो फेरियम होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, विलियम हार्वे किसके खोज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए भाई यहाँ पर आविष्कारकर्ता आविष्कारक सभी क्वेश्चन बनेगा, तो विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है रक्त परिसंचरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रक्त परिसंचरण की खोज के लिए। आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न देखते हैं, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। ठीक है, अब ऐसे कौन से विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है वो है विटामिन B12 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दसवा प्रश्न देखते हैं, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। अगर देखिए दोस्तों भूखा व्यक्ति है तो सबसे पहले शरीर के किस भंडार का वो उपयोग करेगा, वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो ग्लाइकोजन। ठीक है, भूखा व्यक्ति सर्वप्रथम शरीर के ग्लाइकोजन का जो भंडार होता है उसका उपयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो दोस्तों वायरस की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, तो दोस्तों राइट आंसर है डी, इवानोस्की ने। ठीक है, वायरस की खोज की थी। और बात करें जीवाणु की या बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसकी खोज की थी लेयनहॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज लेयनहॉक ने और वायरस से वो इवानोस्की ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रोटीन की इकाई है। अब दोस्तों यूनिट, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, अमीनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है। तो दोस्तों प्रोटीन की जो इकाई होती है वो होता है दोस्तों अमीनो एसिड। ठीक है, दोस्तों 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। अब दोस्तों जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन ध्यान से देखिए,
यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका मेड्यूला ओब्लॉगेंटा, ठीक है, ओब्लॉगेंटा के द्वारा ये श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 14वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लैंगरहैंस के उपद्वीप आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, यकृत है, अग्नाशय है, प्लीहा है या पिट्यूटरी में। यहाँ पर देखिए सोचिए क्या होगा इसका दबाव, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज में, ठीक है, लैंगरहैंस के उपद्वीप जो कहाँ पाए जाते हैं, पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि है अगर शरीर की बात करें तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोस्तों ये राइट आंसर है यकृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यकृत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, अब दोस्तों जो रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें सबसे ज़्यादा भाग क्या होता है, तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भाग होता है वो है आपका जल, ठीक है, जल होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि रक्त में कुल प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी 55%, ठीक है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, 55% होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, जो टिश्यू है जो सबसे अधिक कौन सा टिश्यू पाया जाता है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक, तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो ऊतक है वो है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, मानव रक्त के सामान्य पीएच होती है, मानव के रक्त की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों आई थिंक ये आप सभी छात्रों को जवाब पता होगा, तो इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मानव के रक्त की पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर ए बी सी डी में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है और 100 मिलीलीटर रक्त की अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का दोस्तों स्तर है सामान्य बीच जो रहता है वो है सही जवाब आपका 100 से 150 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए हमारा देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, तो दोस्तों जो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु होती है वो होती है सोलियस, ठीक है, सोलियस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को नए भी मिलेंगे, तो आप लोग को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो भी बचे हुए दिन हैं आपको टॉपिक वाइज मैं आप लोग का फाइनल रिवीजन करा ही रहा हूँ। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा गया है, जैसे आप जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, इस तरीके से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निकल रासायनिक नाम दे दिया है, कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया है, और यहाँ पर आपसे थोड़ा लॉजिकली सवाल पूछ रहा है। तो जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि विटामिन बी और सी जल में होते हैं, बाकी जितने विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पर वसा में घुलनशील पूछा जा रहा है। तो फिलहाल तो देखिए टोकोफेरॉल, नियोसिन, साइनोकोबालमिन, तो इनमें से देखिए दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है, टोकोफेरॉल क्या है, ये टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई होता है, चलिए ठीक है, नियोसिन और साइनोकोबालमिन, ठीक है, जो नियोसिन और साइनोकोबालमिन की बात करें तो नियोसिन आपका विटामिन B3 हो गया, साइनोकोबालमिन विटामिन B12 हो गया, तो यानी ये विटामिन बी ही के हिस्से हो गए, ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया। यहाँ पर दो देखिए आपके विटामिन बी हैं, लेकिन आपका एक ई क्या है, टेकोफेराल, ये वसा वाला हो गया, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, ठीक है, तो दो जल के हो गए, एक वसा के, ये कॉम्बिनेशन खराब हो गया। कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेराल, तो दोस्तों कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, कैरोटीन होता है, टोकोफेरॉल जैसा कि मैंने आपको विटामिन ही बताया, तो इनमें से दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है यहाँ पर, कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ठीक है, कैल्सिफेरॉल देखिए विटामिन डी हो गया, कैरोटीन भी आपके आपका होता है, और टोकोफेरॉल क्या है आपका विटामिन ई जैसा कि बनाया, बाकी विटामिन सी देखिए एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और राइबोफ्लोविन विटामिन बी ही बन गया आपका, यहाँ पर बायोटिन, कैरोटीन, थायमिन ये नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन आपका है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल ये आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, अब दोस्तों रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है नाइट्रेट, अगर रक्त में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए ये उत्तरदायी है।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न है ट्यूमर यानी कैंसर, ऐसी कौन सी शाखा है विज्ञान की शाखाओं से भी आपको प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों ये है आपके ऑन्कोलॉजी, ठीक है, इसमें आपका कैंसर का अध्ययन किया जाता है जो है ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ये उपचार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न क्या करते हैं। ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो ऊर्जा का सिक्का देखिए जो 200 कहलाता है वो होता है आपका ATP, ठीक है, राइट आंसर आपका ATP है। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न देखते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें दोनों कार्य होते हैं भाई। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, अग्नाशय में दोनों कार्य होते हैं। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों जो मलेरिया रोग है इससे देखिए शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, प्लीहा, लीवर, फेफड़ा या अस्थियां। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका प्लीहा, ठीक है, मलेरिया रोग से आपका प्लीहा होता है। आगे बढ़ते हैं, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विज्ञान की शाखाओं से मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो सभी में हम रिवीजन करेंगे। तो घाव का अध्ययन दोस्तों कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ट्रोमेटोलॉजी यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है। तो दोस्तों हथेली में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम है आपका मेटाकार्पल्स, और ये UP SSC से आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है। और मैं आप लोग बता दूँ अभी तक UP SSC आयोग जितने भी आपके क्वेश्चन पूछा है, चाहे विज्ञान की बात करें, इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, UP Special की बात करें, सारे प्लेलिस्ट मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी थे मैंने आप लोगों को बहुत पहले सॉल्व करा दिए थे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। उन सभी वीडियो का अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज होकर मिलते रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लीजिएगा, सभी वीडियोज आप सभी छात्रों के लिए ही बनाई गई है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है वो है आपका प्लीहा, ठीक है, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ी अंतःस्रावी अग्नाशय है, अवटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर अवटू ग्रंथि जो दिया है ये थायराइड ग्रंथि भी इसको कहते हैं, तो अगर आप इसके हिंदी नाम से नहीं परिचित हो थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। अवटू ग्रंथि, ठीक है, थायराइड को अवटू ग्रंथि कहते हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान पर आधारित, ऐसे टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो मैंने कहा है कि आपके एग्जाम से पहले पहले काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे उपयोगी वीडियो साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट भी आपको मेरे चैनल मिलती रहती है। और कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक बार कभी गलतियाँ हो जाती है, आदमी गलतियाँ तो आदमियों से होती हैं और एक छोटी मोटी कभी हो जाती है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को 100% एरर फ्री मैटर प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।